हाय गाइस, मेरा नाम बनाना है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कई दिनों से जो UFS3 का जो साइट था वो बंद कर दिया गया था, सर्वर बंद कर दिया गया था, और UFS पैनल जो हमारा अपडेट नहीं हो रहा था, इंस्टॉल नहीं हो रहा था। अभी जो नया जो आ चुका है, और ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर की लिंक जो मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये सपोर्ट सूट सेटअप आपको इंस्टॉल करना है, और इससे पहले मैं आपको बता दूंगा, आपके कंप्यूटर में अगर पुराना वाला ड्राइवर, अगर UFS3 बॉक्स का पुराना वाला अगर ड्राइवर, USB ड्राइवर अगर इंस्टॉल है, उसे आपको अनइंस्टॉल कर देना है। तब जाकर के आपको इस सेटअप को आपको इंस्टॉल करना है, सपोर्ट सूट सेटअप को इसे इंस्टॉल करना है, और ये सॉफ्टवेयर ही जो है वर्क करेगा, ठीक है। पुराना वाला ड्राइवर आपका वर्क नहीं करेगा, तो आपको इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना है पहले अपने कंप्यूटर में। और जब ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, तो लास्ट में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको इसका चेक हटा देना है, ये पुराने वाले जो पैनल है इसे हमें नहीं लेना है, तो हमें यहाँ पे फिनिश कर देना है। और अगर आप ये सारी की सारी बातें जानना चाहते हैं कि कैसे इंस्टॉल किया जाए, कैसे अपडेट किया जाए UFS3 बॉक्स को, तो फिर इस वीडियो को अब लास्ट तक का देखते रहे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे EX मंदानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है, अभी तक आपने इस बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, इस घंटे को आपने अभी तक नहीं दबाया, इस घंटे को आप जरूर दबाए, क्या जब भी कोई नई वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे, इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल में मिल जाएगी और आसानी से देख सकेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो जो काफी लंबा हो गया है और 15 मिनट से ऊपर का वीडियो है, ये वीडियो आपको पूरा अंत तक देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा, तभी आप जो है UFS3 बॉक्स जो है अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि UFS3 पैनल जो है नया वाला जो आया है, इसे हमने यहाँ पे जो है ओपन कर लिया है, और इस पैनल की लिंक आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जितनी भी सॉफ्टवेयर है सभी की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको इसे अपडेट करना है और कैसे आपको मैनुअली इंस्टॉल करना है। तो ये सॉफ्टवेयर जो है मैनुअली इंस्टॉल होगा, ऑटोमेटिक जो है इंस्टॉल जिस तरह पहले होता था उस तरह से नहीं होगा, इसलिए आपको ये वीडियो मिस नहीं करना है, पूरा अंत तक आपको वीडियो देखना है, और वीडियो 15 मिनट का है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस पैनल को हमने ओपन कर लिया है, और हमारे कंप्यूटर में जो है इंटरनेट कनेक्ट है, और इसे हम जो है यहाँ पे अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा बॉक्स किसी तरह से अपडेट हो जाए और हम इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकें। तो चलिए देखते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है हमारा जो है हमारे बॉक्स को अपडेट करता है कि नहीं करता है, क्योंकि पहले वाला जो पैनल था उसमें जो हमारा ये सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो रहा था, हमारा बॉक्स जो है अपडेट नहीं हो रहा था। तो चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हमारा ये बॉक्स जो है अपडेट होता है कि नहीं होता, और इसमें यहाँ पे क्या एरर आता है। तो आगे हम आपको बताएंगे, इस वीडियो में सारी की सारी बातें बताएंगे कैसे आपको इसे अपडेट करना है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है अपडेट होने में, या बॉक्स में अगर कोई एरर आ रहा है तो उसका सोल्यूशन आप कैसे कर सकते हैं। ये सारी की सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ये अपडेट नहीं हो रहा है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको यस कर देना है। जैसे आप यस करेंगे तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं अपडेट का, ये बिल्कुल यहाँ शो कर रहा है। और सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको बॉक्स चेक करना है, ठीक है। चलिए बॉक्स चेक कर लेते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि ये बॉक्स हम चेक करने पर ये हमें क्या कह रहा है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं ट्राई टू यूज अपडेट बॉक्स, तो ये बॉक्स को हमें अपडेट करने के लिए कह रहा है। तो चलिए हम इस बॉक्स को हम अपडेट करते हैं, चलिए हम अपडेट पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हमारा ये बॉक्स अपडेट होता है कि नहीं होता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा बॉक्स अपडेट नहीं हो रहा, चलिए हम फिर से ट्राई करते हैं और देखते हैं कि हमारा बॉक्स ही अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा बॉक्स जो है हम दोबारा अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा बॉक्स जो है ये अपडेट नहीं हो रहा है। यहाँ पे काफ़ी हमारा बॉक्स जो है ख़राब बता रहा है, हमारा बॉक्स करप्टेड बता रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, चलिए हम फिर से यहाँ पे ट्राई करेंगे कि हमारा बॉक्स अपडेट होता है कि नहीं होता है। चलिए, जितनी बार अपडेट नहीं होता जब तक तब तक हम यहाँ पे इस पर ट्राई करेंगे। चलिए फिर से हम यहाँ पे चेक बॉक्स क्लिक कर दिए हैं, फिर से हम बॉक्स को चेक करते हैं, और चेक करने के बाद फिर से हम यहाँ से जो है बॉक्स को अपडेट मारेंगे। चलिए हम बॉक्स को फिर से अपडेट करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बॉक्स हमारा अपडेट होने की कोशिश में है, लेकिन हमारा बॉक्स जो है यहाँ पे अपडेट नहीं हो पा रहा है, और यहाँ पे जो है कुछ जो है एरर का मैसेज आएगा भी। आप देख सकते हैं कि हमारा बॉक्स कंप्लीट जो है ये अपडेट नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में आपको वो भी बताऊंगा कैसे आपको अपडेट करना है, ये जो प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे आप इसे दूर कर सकते हैं। चलिए फिर से हम यहाँ पे चेक करते हैं बॉक्स को, चलिए फिर से हम यहाँ पे अपडेट मारते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह हमारा बॉक्स जो है अपडेट हो जाए, लेकिन हमारा बॉक्स जो यहाँ पे अपडेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है।
दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी बार हमने ट्राई किया लेकिन हमारा बॉक्स जो अपडेट नहीं हो पा रहा है। दोस्तों अब हमें वैसे में करना है ये है कि हमें डिवाइस मैनेजर में जाना है। डिवाइस मैनेजर में जाने के बाद जो है हमें UFS 3 का बॉक्स का जो USB ड्राइवर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल है उसे हमें यहाँ पे पहले अनइंस्टॉल करना होगा। चलिए हम यहाँ पे इसे अनइंस्टॉल कर देते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि UFS 3 बॉक्स का जो USB ड्राइवर था उसे हमने अपने डिवाइस मैनेजर से जो है इसे अनइंस्टॉल कर दिया है। उसके बाद हमें करना क्या है कि चलिए हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि स्कैन बॉक्स हमने किया, उसके बाद हमारा यहाँ पे USB ड्राइवर हमारे बॉक्स का ड्राइवर यहाँ पे शो नहीं किया, हमारा बॉक्स यहाँ पे शो नहीं किया। हम क्या करेंगे, प्रोग्राम फाइल में जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोग्राम फाइल में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो सपोर्ट सूट सेटअप जो इंस्टॉल किया था उसका जो यहाँ पे फोल्डर बना हुआ था इसे हमें यहाँ पे रिमूव करना होगा। तो रिमूव हम कैसे करेंगे दोस्तों, रिमूव करने के लिए हमें जाना है कंट्रोल पैनल में। तो इसे रिमूव करने के लिए हमें कंट्रोल पैनल में जाना होगा। तो चलिए हम चलते हैं कंट्रोल पैनल में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे कंट्रोल पे क्लिक करना है, कंट्रोल पैनल पे क्लिक करना है, अनइंस्टॉल प्रोग्राम में आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये सपोर्ट सूट सेटअप जो हमने इंस्टॉल किया था उसे हमें यहाँ से अनइंस्टॉल कर देना है। तो चलिए इस सेटअप को हम यहाँ से अनइंस्टॉल कर देते हैं। दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि पुराना वाला जो सपोर्ट सूट सेटअप जो हमने इंस्टॉल किया था अपने कंप्यूटर में उसे हमने दोबारा अनइंस्टॉल कर दिया है, क्योंकि हमारा जो बॉक्स जो है अपडेट नहीं ले रहा था जिस कारण से हमने उसे अनइंस्टॉल कर दिया है। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि इसे हमें क्लोज कर देना है। क्लोज कर देते हैं। चलिए फिर से दोबारा हम इस सपोर्ट सूट सेटअप को इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर में। तो चलिए इसे हम यहां पे इंस्टॉल कर लेते हैं पहले अपने कंप्यूटर में, फिर हम आपको आगे बताते हैं आपको आगे करना क्या है। तो दोस्तों इसे हमें यहाँ पे नो कर देना है, उसके बाद इसका चेक हमें यहाँ पे हटा देना है, उसके बाद हमें यहाँ पे फिनिश कर देना है। फिनिश कर दिए, हमारा सपोर्ट सूट सेटअप इंस्टॉल हो चुका है हमारे कंप्यूटर में। और उसके बाद चलिए इस पैनल को हम जो नया वाला पैनल है उसे फिर से दोबारा हम ओपन करते हैं। उसके बाद चलिए यहाँ पे देखते हैं कि हमारा बॉक्स जो यहाँ पे अपडेट होता कि नहीं है, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे स्कैन करना होगा, अपने बॉक्स को लाना होगा। तो चलिए हम अपने बॉक्स को कनेक्ट करते हैं, उसके बाद डिवाइस मैनेजर हम यहाँ पे ओपन करते हैं। डिवाइस मैनेजर ओपन करके देखते हैं हमारा बॉक्स जो है अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है। जो अभी हमने ड्राइवर इंस्टॉल किया था उस ड्राइवर को इस बॉक्स ने लिया कि नहीं लिया, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा UFS 3 बॉक्स का जो ड्राइवर यहाँ पे नहीं लिया है और इसे हमें यहाँ पे अपडेट करना होगा मैन्युअली। तो मैन्युअली कैसे अपडेट करना है चलिए मैं आपको दिखाते हैं कि मैन्युअली कैसे अपडेट करना है हमें। तो दोस्तों यहाँ पे जो आप देख रहे हैं जो पीले कलर में दिखा रहा है UFS 3 के जो सरस सॉफ्ट जो दिखा रहा है, यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है। ठीक है, तो राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए आपको सी प्रोग्राम यहाँ सेलेक्ट है ऑटोमेटिकली। तो चलिए यहाँ पे हम इसे नेक्स्ट कर देंगे, ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे जो ये ड्राइवर ले लेगा इस बॉक्स का और ये बॉक्स जो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको चेक लगा देना है, यहाँ पे आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा बॉक्स जो है ऑटोमेटिकली जो है अपडेट हो जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा बॉक्स अपडेट हो चुका है, ड्राइवर ले चुका है। चलिए हम यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे ओके कर देते हैं। ओके कर देंगे तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं जो अपडेट का यहाँ पे आ चुका है। चलिए स्कैन करें, हम स्कैन किए बॉक्स आ चुका है, चेकबॉक्स पर हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद हमारा बॉक्स यहाँ पे चेक होगा। तो उसके बाद दोस्तों हमें करना क्या है कि यहाँ पे देख रहे हैं पे हमें अपडेट करने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए हम अपने बॉक्स को अपडेट मारते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने अपने बॉक्स को अपडेट मार दिया और हमारा बॉक्स यहाँ पे जो है अपडेट हो रहा है। चलिए देखते हैं कि अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं सक्सेसफुली जो हमारा बॉक्स जो यहां पे जो है अपडेट हो चुका है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब हमें करना क्या है कि फिर से बॉक्स को हमें चेक करना है और उसके बाद ये हमें जो कह रहा है कि हमें हार्डवेयर पेज पे जाना है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। दोस्तों तो मैं आपको बता दूँ कि हार्डवेयर पेज आपको यहाँ पर जो नहीं मिलेगा वो ऑप्शन, उसे आप जो है अपडेट यहाँ पर बॉक्स को कर सकते हैं लेकिन आप जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं सॉफ्टवेयर पेज पे जाने के लिए कह रहा है हमें। तो सॉफ्टवेयर पेज पे जाने के लिए ऊपर में आप देख रहे हैं वहाँ पे सॉफ्टवेयर पेज, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे चेक सर्वर लिस्ट का ऑप्शन पहले आया करता था, अभी यहाँ पर नहीं है। तो क्योंकि अभी आपको जो ये मैन्युअली इंस्टॉल करना होगा, तो मैन्युअली कैसे आपको इंस्टॉल करना होगा आप यहाँ पर देख रहे हैं।
ये जो आप देख रहे हैं कंप्रेसर फाइल, इसे हमने जो है एक्स्ट्रा हेयर कर लिया है, इसे आपको करना है और इस फाइल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद इस फोल्डर को आपको सिंपली ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, सर सॉफ्ट, इसे आपको कॉपी कर लेना है, पूरा का पूरा आपको फोल्डर कॉपी कर लेना है और सी प्रोग्राम आपको ओपन करना है। सी प्रोग्राम जब आप ओपन करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे जो है पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो चलिए इस सॉफ्टवेयर को हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं मैनुअली। इसे मैनुअली इंस्टॉल कर रहे हैं हम, इसे हम ऑनलाइन इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं, इसे हम ऑफलाइन इंस्टॉल कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको इस सॉफ्टवेयर को जो है यहाँ पे डाल देना है सी प्रोग्राम में। उसके बाद दूसरा वाला आप एक सॉफ्टवेयर और देखेंगे यहाँ पे, चलिए मैं आपको दिखा दूँ कि जो ये नोकिया लिखा हुआ है, तो ये नोकिया वाला फोल्डर जैसे भी आपको कॉपी कर लेना है। इसे कॉपी करने के बाद आपको इसे भी जो यहाँ पे सी प्रोग्राम में जो है पेस्ट कर देना। चलिए इसे भी हम यहाँ पे सी प्रोग्राम में पेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि दोनों सॉफ्टवेयर को हमने सी प्रोग्राम में पेस्ट कर दिया है। उसके बाद इस सॉफ्टवेयर को जो सॉफ्ट को इसके फोल्डर को हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों मैं आपको बता दूंगी जो इस सॉफ्टवेयर को जो हम यहाँ पे फोल्डर को ओपन करेंगे, तो इस फोल्डर को ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारा का सारा जो सॉफ्टवेयर है, तो इसे हम सारे जो जितने भी फोल्डर है सबको बारी बारी से ओपन करके और इसका जो ये आइकन है इसे हम डेस्कटॉप पर सेंड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इसे डेस्कटॉप पे हमने सेंड कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसे भी हमें जो यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेंड करना होगा। उसके बाद मैं आपको बता दूँ बारी बारी से सभी को आपको जो डेस्कटॉप पे सेंड करना है। उसके बाद नोकिया वाले फोल्डर को आपको ओपन करना है। नोकिया वाले फोल्डर को ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं DCTX BB5, इसे भी आपको डेस्कटॉप पर सेंड कर देना है। तो सभी को हमने डेस्कटॉप पर सेंड कर दिया है। चलिए अब इसे हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। दोस्तों इस तरह से आप सभी को जो है सभी आइकॉन को आप डेस्कटॉप पे सेंड कर देंगे। उसके बाद चलिए हम आपको ओपन करके दिखाते हैं कि ये सॉफ्टवेयर हमारा जो वर्क कर रहा है कि नहीं। दोस्तों आप यहाँ पे देखते हैं सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। चलिए इसे हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर जो कनेक्ट होने की कोशिश हो रहा है, तो चलिए देख लेते हैं कि कनेक्ट होता है कि नहीं होता है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है कनेक्ट हो चुका है और वर्क कर रहा है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।